अगर आप सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट दे रहे हैं कॉमर्स से, या आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लिए हैं 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से बार बार पूछते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला चाहिए द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइन द कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज, यानी जिसमें हम लोग दिखाते हैं भैया एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज होते हैं, कौन से दिखाता है? तो भाई हमारा दिखाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन बनाना रहता है जहां पे दिखाना रहता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज का पूरा एक फॉर्मेट, और जहां पे हम लोग को पता करता है कि भाई हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज कौन कौन से हैं। तो हमारा ये क्या होता है कि भाई एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिलेशन दिखाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। पढ़ना है ना हम लोग को, क्लास 11th में पढ़ना है भाई अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अमाउंटिंग टू 50,000 एंड 7,800 रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस अमाउंट शैल बी। अब ध्यान देना कि भाई हमारे पास देखो लाइबिलिटीज का जो अमाउंट है, लाइबिलिटीज जो है ना और एसेट्स का जो अमाउंट है इतना है, यानी हमारे पास लाइबिलिटीज है 50,000 और जो एसेट्स है द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज द डिफरेंस अमाउंट शैल बी। तो हमारा डिफरेंस अमाउंट क्या होगा? ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास यहां पे थोड़ा सा उल्टा दे दिया क्या, अगर देखो अगर एसेट्स अधिक हो जाता है लाइबिलिटीज से, एसेट्स अधिक हो जाता है लाइबिलिटीज से, तो जो डिफरेंस अमाउंट आता है होता है हमारा गुडविल। ध्यान देना इस बात को कि अगर हमारा एसेट्स अधिक हो जाता है और लाइबिलिटीज कम होती है तो जो हमारा डिफरेंस आता है, एसेट्स अधिक हो जाता है और लाइबिलिटीज क्या होती है हमारा कम होता है ना, लाइबिलिटीज अगर कम है और एसेट्स अधिक है तो जो वैल्यू आती है वो होता है हमारा कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, उसको वैल्यू बोलते हैं हम लोग कैपिटल बोलते हैं ना, जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल आएगा। और अगर मान लीजिए लाइबिलिटीज अधिक हो गया और एसेट्स कम हो गया तो जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम लोग गुडविल। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो डिफरेंसेज आते हैं वो क्या होंगे, तो उसके रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए, समझ में आया क्या मैं बोला कि अगर हमारा एसेट्स अधिक है और लाइबिलिटीज कम है तो जो डिफरेंस आएगा उसको हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा कैपिटल। और अगर मान लीजिए कि एसेट्स अधिक, लाइबिलिटीज अधिक है और एसेट्स हमारा कम है, तो उस जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा गुडविल। इस चीज को थोड़ा सा क्या करिए आप, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। द बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज, जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, द वाउचर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो वाउचर बोलते हैं। अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं और उसके बेसिक्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर द अमेरिकन बिलीव अकाउंट्स आर हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? तो भाई यहाँ पे 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिशन की बात करें, ट्रेडिशनल का, तो ट्रेडिशनल में हमारा 3 अकाउंट्स होते हैं ना, 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 होते हैं। बट मॉडर्न की बात करें तो वहां पे क्या होते हैं, 5 होते हैं ना, वहां पे क्या होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम, ये 5 हमारे होते हैं मॉडर्न, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, और एक उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट, मतलब अमेरिकन कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में इसमें क्या किया जाता है, तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन, जो भी हम लोग कैश ट्रांजेक्शन करेंगे जिसको हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। एक्रूअल में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। एक्रूअल में क्या होता है, जहां पे हम लोग कैश प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको एक्रूअल बेसिस बोलते हैं, और जहां पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक ऑलवेज शो, इसमें बताओ क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, डेबिट बैलेंस क्या करता है हमारा, कैश बुक शो करता है, क्योंकि अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट ना, कैश बुक नहीं शो करेगा। तो बैंक कॉलम शो कर सकता है पर कैश कॉलम नहीं शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द कैश बुक मीन ऑफ द रिकॉर्डिंग द पेटी एक्सपेंसेस इज कॉल्ड, तो इसको पेटी कैश बुक। देखो क्या होता है ना कि जो हमारे नॉर्मली जो अकाउंटेंट होता है तो पेटी कैश बुक बनाते हैं अलग से, अलग से का मतलब कि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस, पेपर का एक्सपेंसेस, चाय नाश्ता, ये सब छोटे छोटे टीका, तो उसके लिए अलग से क्या करते हैं कि हम लोग कुछ अमाउंट निकाल करके देते हैं, उसके लिए बनता है पेटी कैश बुक ना। और कैश बुक तो हमारे पता ही है भाई कि जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं और कैश ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनता है हमारा कैश बुक। तो ये सारी चीजें को थोड़ा सा भाई आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारा, द एंट्री विच अफेक्ट कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज नॉन एन कॉन्ट्रा एंट्री।
ध्यान दीजिए, कैश और बैंक कॉलम को जो इफेक्ट करता है दोनों को इफेक्ट करेगा, यानी जब भी ये एंट्री आएगी तो कैश और बैंक दोनों में इसकी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, तो ये हमारा क्या होगा भाई, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। जहां पे बैंक और कैश दोनों एक साथ आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, इसको सी से हम लोग क्या करते हैं, जनरल फोलियो में शो कर देते हैं जब लेजर बनाते हैं तो, या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कुछ भी, यानी बैंक और कैश का ट्रांजेक्शन दोनों साथ में आए तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, व्हाट स्टेटमेंट इज यूज विल द क्लोजिंग और ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो क्या स्टेटमेंट देते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं भाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है द एंट्री विच इज पास फॉर द ब्रिंगिंग द फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ द पर्सनल रियल अकाउंट एज द शो इन द लास्ट ईयर बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग एंट्री। ध्यान देना, ओपनिंग एंट्री जब भी हम लोग क्या करते हैं पिछले साल को नेक्स्ट ईयर में शो करते हैं उसको हम लोग ओपनिंग एंट्री के नाम से भी जानते हैं। द बैलेंस ऑफ गुड्स अमाउंट इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं भाई गुड्स अकाउंट को, हम लोग तो ट्रेडिंग अकाउंट में, पता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमारा क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ओपनिंग जो पिछले साल का होता है ओपनिंग को क्या करते हैं हम लोग डेबिट में शो करते हैं। विच अकाउंट इज ओपन फर्स्ट इन लेजर बुक, तो भाई लेजर बुक में सबसे पहला अकाउंट किसका ओपन किया जाता है, पर्सनल का। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन द लेजर इन द वन साइड, एक साइड में कितने लेजर का कॉलम होते हैं, तो भाई चार होते हैं, यानी दोनों साइड को मिलाया जाए डेबिट और क्रेडिट दोनों को मिलाया जाए तो पूरे आठ कॉलम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, द डेट होता है, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट, है ना, चार कॉलम एक साइड में होते हैं और चार कॉलम। अगर जनरल का पूछा जाए कि भाई जनरल में या जो जर्नल बनाते हैं हम लोग जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, तो जनरल में कितने कॉलम्स होते हैं भाई, तो यहाँ पे डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो हो गया और अमाउंट हो गया, यानी इसमें भी हमारे कितने कॉलम्स होते हैं, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट ना ए, तो जनरल में टोटल कितने होते हैं भाई, तो पांच कॉलम होते हैं जनरल में। तो जब भी जनरल की बात आए तो जनरल में क्या होते हैं, पांच कॉलम होते हैं, और अगर हमारा लेजर में वन साइड की बात करें तो वन साइड में चार होते हैं और दोनों साइड को मिला दिया जाए तो पूरे आठ कॉलम हमारे को मिल जाते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पसंद आती है तो भाई इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।